Come in. अब वो मंदिर आ जाए। अरे बेटा वहां बाहर लिखा है कि अंदर आना मना है। नहीं अब वो आ जाए, मन किया तो हमने पूछ लिया। अरे यार तुम तो ऐसे करते हो जैसे इस घर में पले बड़े नहीं, तुम बाहर कहीं से आ रहे हो और इस घर के अंदर आने के लिए प्रवेश के लिए आपको आज्ञा लेनी पड़ती। आओ अंदर आओ यार, टाइम वेस्ट करते हो आप लोग। अरे वाह 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 बेटा, नई ली है। हाँ शाबाश, आओ बैठ। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बोलो ना। अब हम मंडे निकलना चाहते हैं। एमबीए नहीं करना चाहते जी? क्यों? अब हमारा जहन हम इसकी इजाजत नहीं दे रहा। क्या क्या चीज इजाजत नहीं देती है? क्या नहीं इजाजत? हम सब गिटार बजाना चाहते हैं। नहीं, मैंने गिटार बजाने के लिए कभी मना किया? कभी मना किया है? अबू वो बात नहीं, हम सिर्फ गिटार बजाना चाहते हैं। सिर्फ गिटार बजाने से जीवन का आगे क्या? वो इतने आगे का तो हमने नहीं सोचा है, पर कुछ न कुछ गिटार बात वो नहीं होती है जीवन में ना। थोड़ा विवेक, सकल पदार्थ है जग माही, बुद्धिहीन नर पावत नाही। वैसे उन्होंने कहा है कि कर्महीन नर पावत नाही, मैं कहता हूं बुद्धिहीन नर पावत नाही। उसका कारण है विवेक से काम लो जीवन में। तुम सारा जीवन गिटार बजाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बार ऐसी योग्यता हासिल कर लो, ऐसी योग्यता। और योग्यता आती है केवल एजुकेशन से, केवल पढ़ाई लिखाई से, और उच्च स्तर की पढ़ाई लिखाई से आती है, ताकि आप जहां पे जाके खड़े हो हा? आपकी क्वालिफिकेशन सबको सामने नजर आती है। ये एमबीए है, इसको इनको अंदर बिठाइए, आइए प्लीज। और केवल ग्रेजुएट को हाँ जरा बिठाओ आते हैं। बट अब हमें लगता है कि इतना वक्त नहीं है हमारे पास। क्या हो गया, वक्त खत्म हो गया? वो बात नहीं है, वो हमारा उसमें मन नहीं लगता है। और आप खुद सोचिए, अगर हमने एडमिशन लिया हाँ, उसके बाद हम फेल हो गए। नहीं फेल नहीं होंगे, आप कभी फेल नहीं होंगे बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। कारण यू आर माय सन, और आपके अंदर वो माता है कि आप हर हाल में जीत के आते हो सब जगह पर, और इसमें भी जीतोगे। एक बात बता दो तो फिर आप क्यों हमें रोक रहे? मैं बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, इसमें कैसे जीतोगे? जब आत्मनिर्भरता आ जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाएगी, जब आप ये सोचेंगे कि मैं अपने पापा के पैसे पे नहीं हूं, मैं अपनी कमाई पे हूं, और मैं चाहूं तो इस कमाई को मैं अपने आर्ट में लगा सकता हूं, ठीक है ना? जब आपकी अपनी कमाई खुददारी आ जाएगी ना अंदर, अब तक आपको अंदर ही अंदर एक आत्मग्लानी होती है कि मैं पापा की कमाई पे जीवित हूं, पापा मुझे पाल रहे हैं। देखो मैं भी इन स्टेजेस से गुजरा हूं बेटा जीवन में, आप समझे ना जी? मैं भी ऐसे ही, लेकिन मैंने पहले ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे यानी एम्बिशंस हैं वो तभी फुलफिल हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मनिर्भरता हो, हमारे हाथ में पैसा हो, हमारा अपना घर हो। ये घर आपका है बेटा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने हाथ से बनाया हुआ एक कमरा, उसके अंदर जो संतोष होता है। हमारे पिताजी के पास भी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां थी, लेकिन मैंने एक छोटा फ्लैट तो बनाया जीवन में, ठीक है ना? पर हमें लगता है कि जो कर ही नहीं पाएंगे फिर उसको क्यों करें?
मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जीवन में बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे लगता था। तो आपने कोशिश की ना? नहीं बेटा, सुनो तो सही। जैसे एक इंसान को समंदर के अंदर धकेल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, अब उसके साथ दो ही चीज हो सकती है, या तो वो डर कर डूब के मर जाए जी, या फिर हाथ पैर मार के खूब मेहनत करके वो समंदर से पार निकल जाए जी। दो ही चीजें हैं। वही बात तो हम भी आपसे कहना चाहते हैं। तो आप पहले समंदर को तैर के पार कर जाओ। जिस समंदर से डर लग रहा है ना, उसको पार कर जाओ। उस पार आपका बहुत भविष्य, उज्जवल भविष्य आपका वेट कर रहा होगा आपके पास। अब डर का मसला नहीं है फिर आप हमें गलत ले रहे हैं। मैं डर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। वो जिसमें मन नहीं लगता उस बात का डर है कि मेरा इसमें मन नहीं लगेगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, वो डर है। भय तो भय होता है ना, वो डर आने से अपने अंदर तो दिल नहीं करता है पढ़ने का कि मैं फेल नहीं हो जाऊं। लेकिन एक बार जब आप उस तरफ अग्रसर हो जाओगे, लेकिन उतना वक्त अगर हम अपने गिटार को देंगे तो शायद हम और अच्छा कर पाए और बेहतर कर पाए, आप ये क्यों नहीं सोच रहे? बेटा मैं बहुत दूर तक सोच रहा हूँ, इधर तक नहीं सोच रहा हूँ। आप सिर्फ ये 3 साल की सोच रहे। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि कभी कभी ज्यादा सोचना गलत होता है? आपकी सारी बातें हमें मंजूर है, लेकिन लेकिन आप शायद हमें समझ नहीं पा रहे। मैं एक चीज जानता हूँ बेटा जीवन में, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिन लोगों ने केवल ख्वाब देखे और प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया वो लोग लुढ़क गए। जिन्होंने प्रैक्टिकली किया है और फिर अपने जो आपके एम्बिशंस हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उनको परसू भी किया साथ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काम भी करते हैं, शाम को थिएटर करते हैं, शाम को अपना संगीत करते हैं, अपने अंतरात्मा की जो चीज है उसको निखारते हैं, और फिर जब उसमें तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है तो ये काम को छोड़ के फिर उसी में लग जाते हैं। लेकिन एक बेस होता है जीवन में, अगर आपकी आधारशिला नहीं है किसी काम के लिए, आपके पास आधार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है हम आज हैं, आप है ना हमारे, सुनो मेरी बात तो सुन लो बेटा, आज हैं, कल पता नहीं, कल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपका करियर हम चाहते हैं कि एक बार ये देख लें कि आप आत्मनिर्भरता पे खड़े हो गए। आज इसके बल पे आप रोटी नहीं खा सकते, लेकिन MBA करके नहीं। अब आप गलत सोच रहे हैं, आप हमें कुछ वक्त दीजिए, हम आपको सब करके दिखाएंगे जो भी आपके बारे में सोचा है। ठीक है, तो एक काम करो, केवल मात्र 2 साल MBA करके उसके बाद जीवन भर यही करना। ये मेरे लिए अपने जीवन में से 2 साल इस काम के लिए लगा दो। 2 साल MBA वो 2 साल बहुत होते हैं। एक बार आप हमारे नजरिए से भी तो सोचिए, आपने आज तक जो भी कहा हमने किया, आज हम पहली बार आपके पास आए हैं। और क्या एक बात बताओ, इसको बजाने से इंसान क्या कमा लेता है? अब वो हमें अभी हमने कमाने का नहीं सोचा, अभी सिर्फ अपने सुकून के बारे में सोच रहे हैं। इसको बजा के हमें बहुत सुकून मिलता है। मैं मानता हूं, मैं भी अगर माला हाथ में लेके बैठ जाऊं तो मुझे भी बहुत सुकून मिलता है, लेकिन अपना कारोबार, अपना घर बार, गृहस्थी चलाने के लिए हमें मजबूरन ये कारोबार करना पड़ता है, उसके लिए ध्यान देना पड़ता है, और इसको ध्यान नहीं दें तो हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा, हम केवल माला के योग्य रह जाएंगे। आप अभी भी हमें नहीं समझ रहे हैं? नहीं। अब एक बार हमें इजाजत देके देखिए। जाओ, 2 साल जी, उसके बाद आप जो कहेंगे हम मानेंगे। फिर MBA
जी जाओ करो, और एक काम करो, जाने से पहले हमें गिटार के ऊपर लज्जा गजे जरा अच्छी तरह सुना जी। गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो ना हो, इस जन्म मुलाकात हो ना हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो। साल इसके बाहर मत आना जी, इसी में रम जाओ जी। गॉड ब्लेस यू। गुड लक।